ये देखिए मेरा ये शर्ट है मेरी एम्ब्रॉयडरी वाली, इसमें मैं हाफ कॉलर बताऊंगी आपको और गुम सिलाई से लेस लगाने का तरीका ये देखिए बताऊंगी। इसकी हमारी गले की चौड़ाई है 4 इंच, यानी कि हमें इसमें हम कॉलर नहीं लगाएंगे, हम इसका सिंपल वी जो गला होता है हमारा यहाँ से खुला हुआ होता रहता है जिसपे डोरी लगती है, डोरी या बटन वगैरह यहाँ पे बटन लगाएंगे हम इसमें और सिर्फ वी शेप का इसका गला बनाएंगे हम इसका, ठीक है। बस इसमें गुम सिलाई से लेस लगाने का तरीका बताऊंगी मैं आपको, लेस लगाने का तरीका बताऊंगी, ठीक है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं, अपनी लेंथ और इसकी लंबाई और चौड़ाई नाप कर हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो इसके लिए हम ये जो हमारा है एम्ब्रॉयडरी का, इसका सेंटर लेना होगा हमें। इस तरह से हम इसका सेंटर ले लेंगे, ये देख लेंगे अच्छी तरह हमारी एम्ब्रॉयडरी बिल्कुल दोनों साइड से बराबर आए, इसका सेंटर हो जाए दाना, ताकि बिल्कुल सही आए हमारी शर्ट की। ये देखें इस तरह से पूरा इसका सेंटर कर लेंगे। अच्छा देखें सेंटर करने से ये जो बॉर्डर है हमारा सही आ गया तकरीबन, ये अच्छी तरह से सब सारे चोल वोल निकाल देंगे इसके जो भी आ रहा है। इसके हम लंबाई और चौड़ाई के निशान लगाएंगे। मेरी लेंथ है इसकी 35 रखनी है मुझे, ठीक है। तो ये देखिए मैं इसको सिर्फ 36 लूंगी क्योंकि मैं इसमें लेस लगाऊंगी नीचे भी, तो 1/2 इंच नीचे से और 1/2 इंच इसका ऊपर से, ठीक है। ये 36 लिया ले लिया मैंने। पूरा हमारा ये कटिंग हो जाएगा, ये बॉर्डर का हम देखें ये वाला हिस्सा ले यहाँ से ले रहे हैं इसको, ये पूरा मेरा बॉर्डर अंदर चला जाएगा। 36 तो यहाँ पर आ रहा है इसका, फिर यहाँ से इतना फासला क्यों आया। ये बॉर्डर दरअसल हमारा ठीक बॉर्डर हमारा आड़ा हो रहा है क्रॉस में, तो इसलिए ये लाइन हमारी गड़बड़ कर रही है। इसको छोड़ देते हैं क्योंकि हमें तो यहाँ से शोल्डर वगैरह ले लेते हैं, ठीक है। हमारे पास शोल्डर है हमारे इसके 7 इंच लेना है हमें, इसके आर्म होल भी हम 7 इंच पे निशान लगा देंगे, ठीक है। अच्छा इसका चेस्ट है हमारा 17-18 इंच, ठीक है। 18 इंच 9 पे निशान लगाया हमने चेस्ट का, इसका ये लाइन डाल देंगे यहाँ पर। तो इसका देखें पहले हम इसका हमने सबसे पहले इसकी लंबाई और चौड़ाई ले ली, चौड़ाई और लंबाई का निशान लगा लिया। अब इसका हमने शोल्डर लिया, उसके बाद हमने इसका आर्म होल लिया, जो हमारा शोल्डर था 7, तो 7 आर्म होल लिया। अब इसकी कमर का नाप आएगा हमारा, कमर हम लेंगे 14 पर, ठीक है। और ये हम इसके चौक लेंगे 19.5 पर, ठीक है। तो चेस्ट का नाप हमने ले लिया, कमर का नाप लेंगे हम। कमर है हमारी 16, 16 पे निशान लगाया हमने, हिप है हमारी 10 इंच पर, ठीक है। ये 10 इंच पे निशान लगाया हमने। अब इन निशानों को हम मिला लेंगे आपस में,
उसका दामन है हमारा 11.5। ठीक है 11.5। और अच्छा अब ये निशान हमने फिटिंग के लगाए हैं, अब इसके 1-1 इंच हम एक्स्ट्रा निशान लगाएंगे जिस पे हमें कटिंग करनी होगी। ये देखिए इस तरह से ये कटिंग का निशान आ गया हमारे, ये कटिंग का निशान आ गया। अब ये कटिंग के निशान से हमें नीचे दामन तक इस पे निशान लगाना है, जितना हमने 11.5 दामन लिया है। निशान इसके कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ से हम अपने आर्म होल की गोलाई ले लेंगे, ये आर्म होल आ गया हमारा, इसकी कटिंग कर लेते हैं हम। इस पे कट भी लगा देंगे फिटिंग के निशानों पर, हम अपनी कमर के इस पे भी कट लगा देंगे। देखिए शर्ट हमारी कटिंग हो चुकी है। ठीक है अब इसका हमें गला कटिंग करेंगे अभी हम। अच्छा गले में मैं यहाँ पर ये देखिए इधर इस तरह से कटिंग करूँगी, इस पर पाइपिंग लगाऊंगी, फिर इसमें हाफ कॉलर लगाएंगे। ये हो गई हमारी, अब हम इसकी आस्तीनों की कटिंग कर लेते हैं। देखिए आस्तीन की मैंने टे करी हुई है, इसमें बॉर्डर में थोड़ा क्रॉस में आ रहा था तो इसलिए मैंने अलग अलग चारों पीस अलग अलग हैं, इसके दोनों आस्तीन अलग कर लिए अलग मैंने, ताकि मेरे बॉर्डर सही आ जाए। अब इसका बिल्कुल सही आया है हमारा, इसकी लंबाई देख लेते हैं हम, ये है 22 इंच, तो ये मैं पूरी ही रखूंगी 22 इंच, इसकी कटिंग नहीं करूंगी। यहाँ से हम इस पे 3 इंच पे निशान लगाएंगे हम, निशान लगाने के बाद हम इसको इसकी शेप दे लेंगे। ठीक है अच्छा यहाँ से ऊपर से 1 इंच के बाद से हम इसकी गोलाई की शेप देते हैं। ठीक है ये 3 इंच का निशान लगा लिया मैंने और इसकी कटिंग कर दी, बीच में कट लगा लिया। अच्छा इसका मैं जो बॉटम है इसको पूरा रखूंगी, इसको पूरा रखूंगी। अब इसका सेंटर करते हैं हम, सेंटर भी हमारे ये आ रहा है, तो यहाँ से मैं इसकी गोलाई कर दूंगी। इसकी चौड़ाई मेरी पूरी है जितनी मुझे चाहिए, 8 इंच है पूरी रहेगी मेरे, जितनी मुझे शर्ट सीऊंगी मैं उसके लिए। कटिंग कंप्लीट हो चुकी है, यहाँ से भी इसको कर लेते हैं बराबर। ठीक है पहले हम फ्रंट का गला बना लेते हैं, इसकी मैंने बस ऐसी वी शेप की कटिंग करी है और ये पट्टी इसके साथ है, इस पर मैंने कोई फ्यूजिंग नहीं लगाई है, बिल्कुल सिंपल बना रही हूँ मैं। एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है और ये एम्ब्रॉयडरी के साथ साथ हम सिलाई करेंगे इसकी।
सुई अंदर रखते हुए हम इसको घुमा लेंगे। इस पे अब कट लगा लूंगी मैं, क्योंकि हमारी गोलाई शेप है हल्की सी, तो इसमें कट लगाएंगे तो फिनिशिंग के साथ आ जाएगा। कट लगा लेंगे, पलटेंगे अपनी। इस पे भी मैं सिलाई कर लूंगी, ठीक है। इसी तरह ये पूरी सिलाई करते हुए हम अपनी गला हमारा कंप्लीट कर लेते हैं हम अपना। अब ये बेक का गला है हमारा, उसकी पट्टी लगा रहे हैं। कभी भी ये गोल गले की पट्टी होती है, गोल गला हो, आर्म होल, हम आस्तीन ज्वाइंट करते हैं, जहाँ भी ये सही चीज़ आए हमारी गोलाई वाली, इसको हम खींचते नहीं है बिल्कुल, हल्के हाथ से बस इसको सेट करेंगे और सिलाई लगाएंगे। थोड़ा सा भी हम खींचेंगे तो हमारी इसके इसका लुक ख़राब हो जाएगा और इसमें झोल आ जाएगा हमारा, तो बिल्कुल हल्के हाथ से इसको रखते हुए हम सिलाई करेंगे। देखें सिलाई कंप्लीट हो गई। अच्छा देखें, अब सिलाई कंप्लीट होने के बाद हम इसको इसमें से मशीन में से निकालेंगे नहीं, ठीक है, इसको पकड़ना नहीं पड़ेगा। इस तरह से हम इस पर कट लगा लेंगे अपने गले के ऊपर, ठीक है, और गोलाई सीधे हिस्से में लगे ना लगे, गोलाई वाले हिस्से में ज़रूर कट लगाएं हल्के हल्के से। जब हम इस पट्टी को सीधा फोल्ड करते हैं तो हमारी बहुत फिनिशिंग से इसकी सिलाई आती है, ठीक है। ये ज्वाइंट हो गए, अब हम इसके शोल्डर ज्वाइंट करेंगे। ज्वाइंट करें अब, जैसे मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है ये चीज़, ये देखिए फ्रंट का गला हमारा, ये बैक के गले की जो पट्टी है उस पट्टी को हम फ्रंट के ऊपर लाकर और इसको फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से सिलाई कर लेंगे हम, ये देखें इस तरह, इस तरह ज्वाइन करने से हम, अब हम इसको सीधा करेंगे तो ये देखें बिल्कुल हमारा यहाँ से कच्चा नज़र नहीं आएगा, ये पट्टी हमारी इस तरह से आ जाएगी इसके ऊपर। अब हम इसकी पीछे के गले की सिलाई कर लेंगे, ठीक है। देखें पीछे की गले की सिलाई करेंगे, जो हमारी अंदर की पट्टी है ये बाहर की तरफ से नज़र नहीं आनी चाहिए हमारी, ठीक है। इसको हम इस तरह से सेट करेंगे अंदर की तरफ खींचकर, और इधर से फोल्ड करा हमने, ये इस तरह से फोल्ड करा और इधर से करा, ये हमारा बिल्कुल देखें बिल्कुल एक सा फोल्ड हो गया हमारा। जब इसकी सिलाई कर लेंगे, ये देखें इसको कंप्लीट करते हैं सिलाई को गले की हम अपने, अपनी फिटिंग की सिलाई करते हैं पहले, फिर इसकी आस्तीनें ज्वाइंट करेंगे, ठीक है। ये हमारा फिटिंग का निशान लगा हुआ है यहाँ पर, यहाँ से स्टार्ट करी हमने, कमर देखो कमर से, फिर हम इसको इस तरफ शाफ्ट की तरफ लेके जाएंगे। अच्छा चाक पे रोक कर हम इसको वापस सिलाई को लेकर आएंगे ताकि हमारे यहाँ से पक्का हो जाए, फिर इसी तरह हम दूसरे चाक साइड की फिटिंग की सिलाई कर लेते हैं। देखिए हमारी फिटिंग कंप्लीट हो चुकी है, अब हम इसमें आस्तीन ज्वाइंट करेंगे।
हमारी शर्ट की साइड सिलाई हो चुकी है फिटिंग की। अब हम उसमें स्लिम लगा आस्तीन ज्वाइन करेंगे। तो इसके लिए हम आस्तीन में पहले लेस लगाते हैं। लेस में आपको गुम सिलाई से लगाने का तरीका बताती हूँ। जैसे हम डोरी पाइपिंग लगाते हैं ये इसी तरीके से इसी तरह से लगेगी, ठीक है। अब देखिए ये सीधी आस्तीन के ऊपर हम ये लेस सीधा हिस्सा ऊपर रखेंगे इसके और इस पर सिलाई कर लेंगे। यानी जो ऊपर की तरफ हमारा हिस्सा है लेस का वो उल्टा है और नीचे की तरफ सीधा हिस्सा है। जब हम इसको यूं घुमाएंगे तो सीधा हो जाएगी, फिर हमारी लेस सीधी हो जाएगी, ठीक है। अब इसकी सिलाई करते हैं हम। ये देखिए हमारी लेस कंप्लीट हो चुकी है, इसको निकालेंगे। अब इसकी देखें इस तरह करेंगे हम, ये जो लेस को हम सीधा इस तरफ घुमाया हमने, अब ये जो हमारा कपड़ा है इसको हम इस तरह से कर लेंगे ताकि ठीक है। ये कर लिया हमने, अब हम इसकी सिलाई करेंगे। कंप्लीट हो चुकी है, अब हम इसको सीधा कर लेंगे। ये देखें इस तरह से सीधा करा हमने और इसको कपड़े को हम उंगली से इस तरह से कर लेंगे, इस तरह से नाखून से कर लेंगे। इसको सिलाई शुरू करते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा थोड़ा सा फोल्ड करा हमने। ये देखें इस तरह हमने सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है, धागे काट देंगे। अब हम इसकी आस्तीन की सिलाई कर लेंगे, पक्का करेंगे यहाँ से हम। अच्छा, यहाँ से शुरू में हमें बिल्कुल पतला बस लेना है कपड़ा, हाफ इंच से भी कम ही ले लीजिएगा, क्योंकि हमने अम्ब्रेला टाइप की आस्तीन बनाई है। गोलाई की तरह से थोड़ा ज्यादा नहीं हो सकता सिलाई में। ये देखें शर्ट हमारी इसकी सिलाई और ये हमारी आस्तीन है इसकी सिलाई, दोनों को बिल्कुल हम इस तरह मिलाते हुए, यहाँ पर हमारा गैप नहीं आना चाहिए, बिल्कुल सिलाई बिल्कुल एक दूसरे से मिली हुई होनी चाहिए। इस तरह रखते हुए हम इसको दोनों सिलाइयों को मिलाते हुए हम इसकी सिलाई करेंगे, आस्तीन ज्वाइंट कर लेंगे, ठीक है। इस तरह हम आस्तीन ज्वाइन कर लेंगे अपनी, देखें। और ये भी इसमें भी यही है, आस्तीन को खींचना बिल्कुल नहीं है हमें। मेरी आस्तीन कंप्लीट हो चुकी है। अब देखें मैं इस पे वापस इधर आ रही हूँ जहाँ से शुरू स्टार्ट करा था। तो ये शर्ट का जो हिस्सा है पीस जो होता है इसको हम इस तरह से नीचे कर देंगे, उसको इसमें सिलाई में ज्वाइन नहीं करेंगे और इसको भी हम इस तरफ कर लेंगे, ठीक है। जहाँ से स्टार्ट की थी हमने सिलाई उसी पे हम अपनी सिलाई का एंड करेंगे। ये देखिए हम अपने दामन में लेस लगा रहे हैं, दामन में भी इसी तरह लेस लगानी है जैसे हमने आस्तीन पे लगाई है। ये उल्टी लेस उल्टा हिस्सा ऊपर की तरफ आएगा लेस का, इस तरह लगानी है हमें, ठीक है। लेस लग गई हमारी, अब दूसरे दामन पे लगाते हैं सीधी दूसरे साइड पर।
लग चुकी है हमारी। अब हम इसको इस तरह सीधा करेंगे। अच्छा, ये हम इसको सीधा करेंगे ना इस तरह से, देखें पहले कटिंग कर लेते हैं इसकी भी। ये देखिए हमने ये सीधा करा, इसको हम इस तरह से मशीन के इससे भी कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए इस तरह करें या प्रेस कर लें, इसे प्रेस से करें और इस तरह से भी हमारा ये देखें बिल्कुल सीधा हो गया। जैसे हम नाखून से करते हैं, नाखून से ना करें, हम इससे कर लें तो ये हमारा देखें बिल्कुल एक सा हो गया सब जगह से, ठीक है। अब हम इसकी सिलाई कर लेते हैं अंदर से। देखिए हम चाक का निशान लगा लेंगे, हमारा दामन धो चुका है। अब हम चाक अपना चाक को फोल्ड करेंगे। हम सुई अंदर रहने देंगे और इसको फिर इस तरह से घुमा कर अब हम इस साइड वाले चाक की पट्टी को मोड़ेंगे इस तरह से, इसको घुमाते हुए ये वाला चाक भी तैयार कर लेंगे। हो चुका है, शर्ट हमारी कंप्लीट हो चुकी है, बिल्कुल रेडी। आपको दिखाते हैं, ये देखिए हमारी शर्ट तैयार हो चुकी है। देखिए इसका लुक, लेस वगैरह लगने के बाद देखिए कितना अच्छा लग रहा है इसका दामन, आस्तीन गला इसका। उम्मीद है आपको पसंद आएगा इंशाल्लाह, और तरीका लेस लगाने का तरीका भी आपको आ गया होगा समझ में।